नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा वीडियो 100 बॉयलर चिक्स को पालने पर कितना प्रॉफिट हमको मिलेगा इसके ऊपर होने वाला है। तो इसके फीड से संबंधित, इसके रेट से संबंधित और जब हम लास्ट में इसे बेचने जाएंगे उस पर हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है इसी के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित वीडियोज़ लेकर आऊँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं 100 बॉयलर चिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि इनको पालने पर, है ना, 2 kg साइज़ का बनाने पर कितना फीड लगने वाला है, क्या कॉस्टिंग निकल कर आने वाली और हमको जब ये हमारा बैच निकलेगा तब हमको कितना प्रॉफिट हमको मिलेगा इसी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो 100 चिक्स हैं जब हम कहीं से लेकर आएंगे तो उनका क्या रेट मिलेगा हमको, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, रेट जो है वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो है आपके लोकल एरिया में जो भी फीड सप्लायर हो उनके यहाँ से पता करना है, वो आपको जो 100 बॉयलर चिक्स हैं वो उपलब्ध करा देंगे। रेट अलग अलग चलता रहता है, सीजन वाइज अलग अलग रहता है। अभी जो रेट चल रहा है वो 25 रुपये, है ना, पर पीस का चल रहा है। ये बढ़ता घटता भी रहता है, कभी 20 भी मिलता है और गर्मियों के टाइम पर या जैसे थोड़ा सा सीज़न बढ़ने लगता है तो ये फिर बढ़कर 40 रुपये भी हो जाता है। तो इसका जो रेट है वो अलग अलग मिलता है। तो आज मैं इसका जो रेट अभी मैंने चेक किया तो वो 25 रुपये पर पीस का चल रहा था। तो 100 चूजों के हिसाब से 2500 रुपये इसके हो गए। फिर जब हम इन्हें लेकर आते हैं तो इनका जो वैक्सीनेशन है, इनका जो मेडिसिन है, इन सारी चीज़ों में जो एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, हमारे जो खर्चे लगने वाले हैं, वो 100 मुर्गों में या 100 चूज़ों में जो है वो 400 रुपये खर्चा आने वाला है। फिर इनका डे ओल्ड चिक्स से लेकर जब हमको 2 kg साइज़ तक का, है ना, बनाएंगे तो बनाने में हमको करीबन इसमें 6 बैग्स जो हैं इनके फीड के लगने वाले हैं जो एक प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर के रूप में रहते हैं। तो ये जो फीड का जो रेट है वो भी आपको अपने यहाँ पर सप्लायर जो होगा, फीड सप्लायर जो होगा उससे पता चल जाएगा। ये भी रेट अलग अलग की जगह पर अलग अलग मिलता है, कंपनी वाइज भी अलग अलग रहता है। तो आप अपने यहाँ पर फीड सप्लायर से भी इसका रेट पता कर सकते हैं क्या रेट पे चल रहा है। तो इसका भी रेट अलग अलग चलता रहता है। जैसे मैंने अभी जो फीड का रेट पता किया, जो अच्छी क्वालिटी का फीड है वो 2000 रुपये पर बैग के हिसाब से चल रहा है, है ना। ये 50 kg का बैग रहता है और 2 kg साइज तक बनाने में इसको 6 बैग्स जो हैं वो लग जाएंगे इसको। तो टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगी फीडिंग की वो 12000 रुपये इनकी फीडिंग कॉस्ट आ जाएगी। मैंने चूजों का रेट बताया और इनका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो मेडिसिन के रूप में और अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें मैंने बताया, जो तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 100, है ना, चिक्स में वो हो जाएगा 14400 रुपये का। 14400 रुपये की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आपके आएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब 100 चूजे लेकर आएंगे आप तो सभी के सभी तो जो हैं वो चूजे आपके ज़िंदा नहीं रहेंगे। जब 100 चूजे आप ख़रीदेंगे तो वहाँ पे 2 चूजे जो हैं एक्स्ट्रा भी मिलेंगे आपको। तो 102 चूजे में कुछ मृत्यु दर भी आ जाती है। तो मान लीजिए हम 4 से 6 जो है वो मृत्यु दर आ ही जाती है तो हम 6 चूजे जो लेकर चलते हैं कि भाई मोर्टिलिटी रेट आ गया तो 6 चूजे वहाँ से माइनस हो गया। तो अपने पास जो जो टोटल बचे, टोटल हमारे पास बचे 96 चूजे बचे। अब ये है ना 3 kg फीड ये पर अगर हम ले लेते हैं तो ये 3 kg फीड खाने के बाद 2 kg साइज़ के आराम से हो जाएंगे। तो 96 जो चूजे हैं उनका जो वज़न बन जाएगा वो टोटल बन जाएगा 192 kg का, है ना, 192 kg हो जाएगा। और जो रेट है इनका जब हम सेल करने के लिए जाएंगे तो सेल करने पे भी इनका रेट जो है वो अलग अलग मिलता है, वेरी करता रहता है, कभी 90 रुपये, कभी 95 रुपये, कभी 100 रुपये। अभी जैसे मैं मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करता हूँ तो मध्य प्रदेश रीजन में जो इनका रेट चल रहा है वो 100 रुपये, है ना, पर केजी रेट पर चल रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो टोटल हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जो हमारा, है ना, वो हो जाएगा 19000 रुपये और 19200 रुपये का टोटल हमको इसकी कीमत निकल कर आएगी जब हम 96 मुर्गों को है बेचने के लिए जाएंगे।
फिर जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 14,400 रुपये की, तो जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा है ना, वो हो जाएगा 4,800 रुपये का हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा एक बैच में, जब आप 100 बॉयलर चिक्स के साथ अपना फार्म जो है वो शुरू करते हैं। इसमें मैंने केवल इनकी है ना ख़रीदारी, चूजों की ख़रीदारी, फीड, इनका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मेडिसिन वगैरह के रूप में आ जाता है ये कैलकुलेट किया है, मैंने सीड वगैरह का कैलकुलेट नहीं किया है, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। और अगर हाँ आप बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इनका सीड का भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि भाई कितने चूजों को रखने के लिए कितने सीड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जो लॉट है ये 2,000 चूजों का है, जैसा आप लोग देख रहे हैं ये तैयार हैं, ये निकलने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ये जो रेट मैंने बताए हैं ये वेरी भी कर सकते हैं जगह के अनुसार, सीजन के अनुसार, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित और वीडियोज़ के लिए आप मेरी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो है www.farmingguide.com। आपको वहाँ पर बकरी पालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित है ना, भेड़ पालन से संबंधित, मछली पालन संबंधित और भी जानकारी जो है वो मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी इनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।